तो चलो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तुम तो ये बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी रिलीज इस क्वेश्चन से सीखोगे कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आप ड्यूट्रियम एंड हीलियम ठीक है ड्यूट्रियम को मैं डिनोट करता हूँ यहाँ से एच वन टू से तो ये कहता है दो ड्यूट्रियम का मिल के दो एक दो ड्यूट्रियम का मिल के एक यहाँ से अल्फा पार्टिकल ही बना लिए प्लस यहाँ से डेल्टा ई कुछ एनर्जी रिलीज हुई है तो ये कहते हैं यही एनर्जी हमें रिलीज हुई है इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर एनर्जी रिलीज या तुम तो इसको कितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो मुझे कैलकुलेट करना है तो आई होप कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट आपको पता है हाउ टू कैलकुलेट क्यू फैक्टर क्यू फैक्टर या एनर्जी रिलीज जब बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है क्यू फैक्टर

और इसके पास चार न्यूक्लियॉन्स है तो एक न्यूक्लियॉन्स का हीलियम का कितना है है देखो हीलियम तो एक टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे जो है टोटल एक एक डूट्रियम के पास दो न्यूक्लियॉन्स है दो तो माइनस एक एक न्यूक्लियस एक ड्यूट्रियम का आ जाएगा पर डीटीएम 2.1 है और ऐसे दो हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दो दो डीटीएम के हैं तो आ जाएगा 28 और माइनस यहाँ से 4.4 तो 28 4.4 मतलब 23.6 और ये आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई होप कि आपको पता होगा तो 23.6 मतलब ए ऑप्शन अपना सही हो जाता है और ये जेई मेन्स में आया हुआ क्वेश्चन था ठीक है तो इसे क्वेश्चन से हम सीखे कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन जब बाइंडिंग एनर्जी गिवन है ठीक है आई होप कि आपको मजा आ गया होगा थैंक यू